हेलो दोस्तों, हम बना रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर टॉप बार, नेव बार, मेन्यू बार, स्लाइडर और प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है इसके अंदर। अब हम इसके नीचे के सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हमारी मेन्यू है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन बनाते हैं। हम सब लाइन ओपन करते हैं। सब लाइन ओपन करने के बाद ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट ओपन है, इसको हटाते हैं। एस टी डॉक्स के अंदर सॉप इसको ओपन करते हैं प्रोजेक्ट को। इंडेक्स के पेज में आते हैं, इंडेक्स के पेज में काम कर रहे हैं। इंडेक्स के पेज के अंदर नीचे आते हैं, टुडे डील्स के नीचे इसमें लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स सेक्शन स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेक्शन एंड। डीआईवी क्लास रो, डीआईवी क्लास COLL लार्ज स्क्रीन पे 2, मीडियम पे 4, स्मॉल स्क्रीन पे 6। के अंदर बनाते हैं कार्ड, डीआईवी क्लास कार्ड, कार्ड के अंदर डीआईवी क्लास कार्ड इमेज, कार्ड इमेज के अंदर इमेज लगा देते हैं ऊपर से कॉपी करके। इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी में पेस्ट डीआईवी क्लास कार्ड कंटेंट, प्रोडक्ट टाइटल, उसके बाद ये चीज कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी पेस्ट, रिफ्रेश, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है। ऊपर हेडिंग देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट से पहले एक हेडिंग लगाते हैं H6। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की हेडिंग आ गई। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी 1 2 3 4 5, 5 बार इसको पेस्ट किया। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। ऐसे ही हम अब बनाएंगे मेन के लिए, फिर वुमेन के लिए, होम एंड फर्नीचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, डेली नीड्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन को पूरा कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट कॉपी पेस्ट, इसको चेंज कर देंगे मेन सेक्शन। इसको भी चेंज करते हैं मेन फैशन, एंटर।
स्पेशल प्रोडक्ट्स, रिफ्रेश, ये मेल फैशन प्रोडक्ट के लिए आ गया, इसी वुमेन के लिए करेंगे। कॉपी पेस्ट, ये वुमेन के लिए हो गया। रिफ्रेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैशन, मेन फैशन और वुमेन फैशन। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, होम एंड फर्नीचर। होम फर्नीचर के लिए भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं। ये अभी हम लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो ये सारा डाटा डायनेमिक आएगा। अभी हम स्टैटिक ओनली सिर्फ लेआउट बनाने के लिए कर रहे हैं। पेस्ट, उसका नाम है होम एंड फर्नीचर। होम एंड फर्नीचर, रिफ्रेश, होम एंड फर्नीचर के लिए। ये इसका रीनेम कर देते, नाम चेंज, होम एंड फर्नीचर, रिफ्रेश। होम एंड फर्नीचर के लिए भी आ गया। अब स्पोर्ट्स एंड स्टेशनरी के लिए बनाते हैं, के नीचे पेस्ट कर देंगे एक बार और। SPORT स्पोर्ट्स एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी रिफ्रेश, SPORT स्पोर्ट्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आ गए, पूरे पूरे प्रोडक्ट इसके अंदर आ गए हैं हमारे। अब हमारा बाकी रह गया फूटर। ठीक है, फूटर बनाते हैं। हमारा फूटर बाकी है। फुटर बनाने के लिए मटेरियल की साइड पे आते हैं, मेटलाइज, इसमें लिखते हैं फुटर, फुटर डॉट HTML। इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, कॉपी, सबसे एंड में पेस्ट कर देंगे स्पोर्ट एंड स्टेशनरी के बाद में। एंटर, फूटर सेक्शन स्टार्ट, फूटर सेक्शन एंड, पेस्ट कर देंगे इसको। अब इसमें से हमें क्या क्या रखना है, फूटर कॉपीराइट सेक्शन है तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। रिफ्रेश, ये हमारा फूटर आ गया है। फुटर के अंदर फॉर कॉलम सेक्शन स्टार्ट,
एंड फोर कॉलम बनाते हैं इसके अंदर डी आई वी क्लास रॉ लार्ज स्क्रीन पे तीन मीडियम पे मीडियम पे छः स्मॉल पे बार इसमें लिखते हैं एच फाइव लिंक टाइटल एक दो तीन तीन चौक बारह ठीक है ये हमारे चार लिंक आ गए हैं सो कंटेनर में डाल देते हैं इनसाइड द कंटेनर कंटेनर रोप यहाँ पे क्लोज हो रही है यहाँ पे कंटेनर क्लोज ठीक है अब ये थोड़ा कंटेनर के अंदर आ रहा है अब इसका कलर चेंज करते हैं जो हमारी टॉप बार का कलर है वही हमारा फूटर में जो बॉटम सेक्शन है उसका कलर होगा कंट्रोल शिफ्ट आई ऐसे नहीं आएगा ये ऊपर आ जाते हैं कंट्रोल एफ करते हैं टॉप बार का कलर है ये कंट्रोल कॉपी कॉपीराइट है इसका स्टाइल बैकग्राउंड पेस्ट जो हमारा टॉप बार का कलर है वही फूटर के बॉटम बार जो सबसे नीचे आ रहा है उसका कलर होगा ठीक है ये आ गया इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं पेज फूटर क्लास डी वी इसमें लिख देते हैं ओ आर एन जी ऑरेंज इसका क्लास ऑरेंज कलर लग जाएगा इसको ठीक है ये हमारा फुटर भी कंप्लीट हो गया इसको मोबाइल स्क्रीन पे चलाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी ये हमारा स्लाइडर है ये हमारा वेबसाइट का टाइटल है ये मेन्यू आइकन है साइड में जो मेन्यू आ रही है इसके बाद ये हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मेन फैशन ये हमारे सारे प्रोडक्ट और ये हमारा फुटर आ रहा है ठीक है हमारी वेबसाइट फुल रिस्पॉन्सिव है मोबाइल स्क्रीन पे फुटर का काम भी कंप्लीट हो गया फुटर को अब इसमें लिंक कौन कौन से लगाएंगे इसके अंदर लग जाएगा अबाउट अबाउट अस का लिंक लग जाएगा इसमें लग जाएगा इसमें लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे कैटेगरी इसमें लगाएंगे इम्पोर्टेंट लिंक और इसमें लगाएंगे डेवलपर एड्रेस ठीक है इनको अभी लगा लेते हैं फर्स्ट है हमारा अबाउट अस सेकंड है कैटेगरी कैटेगरीज थर्ड सेक्शन है लिंक डेवलपर एड्रेस रिफ्रेश करते हैं ये हमारे टाइटल आ गए टाइटल के बाद कैटेगरी बनाते हैं सबसे पहले कैटेगरी के लिए यूएल एल आई
HRF क्लोज लिंक रिफ्रेश, ठीक है ये लिंक आ गए, कैटेगरी आ जाएगी, इसी को कॉपी करके इम्पोर्टेंट लिंक में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है अबाउट अस के अंदर फिर आते हैं डेवलपर एड्रेस, डेवलपर एड्रेस में आते हैं, इसके अंदर सबसे पहले पी टैग स्टार्ट करते हैं, स्पेन क्लास फॉर मैप मार्कर सेव, ये चीन आ गया लोकेशन का, उसमें लिखते हैं पी फोर विहार, एड्रेस के बाद लिखते हैं मोबाइल नंबर के लिए लगाते हैं स्पेन फोन क्लोज प्लस 91 मोबाइल नंबर आ गए। ये मोबाइल नंबर आ गए, मोबाइल के बाद ईमेल आईडी, ईएन एनवेलोप क्लोज, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के बाद वेबसाइट क्लोज ये ईमेल आईडी आ गई। ठीक है डेवलपर एड्रेस पे सबसे पहले एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गए और ईमेल आईडी आ गई। ठीक है ऐसे करते हैं, इस कंटेनर को हटा लेते हैं, ये जगह ज़्यादा रोक रहा है, कंटेनर को हटा लेते हैं, रिमूव इन कंटेनर, यहाँ से रिमूव हो गया, सेव रिफ्रेश, ठीक है अब थोड़ा सही है। मोबाइल स्क्रीन पे चलाते हैं, ठीक है ये हमारा लेआउट डिज़ाइन हो गया है, अब इसको डिज़ाइन, इस फुटर की डिज़ाइनिंग अगले वीडियो में करेंगे।